हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक पैन में ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जीरा। अब इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक ताकि प्याज जो है जल्दी से पक जाए। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ आलू। आलू को भी प्याज के साथ 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आलू और प्याज को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी कच्चापन खत्म हो जाने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद अब ऐड कर देंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच जीरा धनिया का पाउडर। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सब मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा टमाटर। टमाटर को अब हम ढककर अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। ये देखिए 5-7 मिनट्स हो चुके हैं, टमाटर हमारे काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी शिमला मिर्च। ये मीडियम साइज़ की 3 शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च को भी मसालों के साथ 2-3 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर जो है 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। हम इसे 5 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, वरना सब्जी बहुत पक जाएगी और टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। रेडी हमारी झटपट बनने वाली आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। आप भी इस रेसिपी का ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।